तो गाइस, मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया था और ये साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रिकी सी लग रही थी कि यार ये पहन पाऊँगी या नहीं। बट स्टिल मैंने वेरी किया इसको एंड आप देख सकते हैं माय स्वीट स्वीट लुक। ओ माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा लग सकता है, बट इट्स लुक असम। मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही नलायक हूँ, बट आप अच्छे लगोगे। आई नो दैट यू लुकिंग नाइस। और पीछे से जो मेरी बहन शूट कर रही थी वो मुझे बार बार बोले जा रही थी, अरे यार ऐसे कर ले, अरे यार वैसे कर ले। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, यार कहना क्या चाह रही है तू। तो आप देखो कैसे मैंने लुक कैरी किया है, और मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं जूम करके। इसमें गाइज मैंने एक चोकर लिया था पिंक कलर का ही, जो मेरी साड़ी से मैच कर रहा था उसको मैंने इसके साथ कैरी किया था। और उसके छोटे छोटे इयररिंग थे उसी के साथ के जो मैंने लिए थे, और बीच की मांग निकाल के पीछे जोड़ा बनाया और दो छोटी छोटी लटे निकाल ली थी और छोटी सी बिंदी लगा दी जो मेरे लुक को पूरा ही कंप्लीट कर रही थी। और ये मेरा फर्स्ट लुक था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा गाइज। चलते हैं हम अपने सेकेंड लुक पे, जिसमें मैंने ये बेल्ट ली है और इसको पीछे पल्ले के ऊपर से ही हमने ऊपर से कैरी किया है इसको, ठीक है। तो मैंने पीछे इसको बांध लिया है और ये मेरा सेकंड लुक तैयार है। आप देख सकते हो गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे ना ये थोड़ा रॉयल लुक दे रहा था, तो ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा पहले लुक से, और ये बहुत ज़्यादा मस्त भी लग रहा था। मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ पहले जैसा ही था, बस ये बेल्ट कैरी की है और ये अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो गाइस। और उसके साथ मैंने एक फोटो भी ली थी जो है ये। अब आ जाते हैं अपने थर्ड लुक पे। आप देख सकते हो गाइस, इसमें मैंने तीन चीज़ें चेंज की हैं। आप देख सकते हो, एक तो मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है ऊपर से, दूसरी बात कि मैंने चोकर कैरी नहीं किया है, मैंने एक पंजाबी लुक की तरह झुमकियाँ कैरी की हैं। और जो मेरा पल्ला है उसको बांध लिया है, पहले हमने फ्री पल्ला रखा था, अब हमने पल्ले को बांध के उसके बाद ऊपर से बेल्ट लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मुझे थोड़ा गर्ल्स टाइप का लुक लग रहा था और ये भी मस्त लग रहा था यार। ये भी मुझे लगा नहीं था, बट हाँ इट्स सो क्यूट। बट मैं अच्छी लग रही थी इसमें, पहले पहले भी अच्छी लग रही थी लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी लग रही थी। आप ऐसा भी लुक कैरी कर सकते हो, इसमें इयररिंग ले सकते हो। और जूड़ा मैंने रखा था क्योंकि मुझे जूड़ा ना अच्छा लगता है साड़ी के साथ। और आप देख सकते हो मैंने पल्ला थोड़ा ढीला रखा है, उसके बाद इस बेल्ट को लगाया ताकि हमारे जो टमी और चेस्ट के बीच का गैप है वो हमें दिखे, तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो यही चीज़ मैंने करी थी, आप देख सकते हो। और इयररिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हाँ, इस बार मैंने चोकर नहीं लिया था। तड़ा, तो ये था मेरा थर्ड लुक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई होप कि गाइज ये आपको लुक अच्छा लगे, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगे। और जैसे ही मैं थर्ड लुक पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। खैर, मैंने लिया एक टॉप, उसको रबड़ बैंड से बांध लिया और उसके बाद मैंने उसको एक ब्लाउज़ की तरह कैरी किया है। उसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया था। अंदर माय ब्लाउज इज़ रेडी, लेट्स सी कि ये वर्क करता भी है या नहीं। तो फिर मैंने साड़ी बांधना शुरू किया और मैं बहुत थक गई थी। तो रेडी, आई एम रेडी, दिस इज़ माई लुक। एंड ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट हाँ साड़ी के साथ ये बेल्ट बहुत सूट कर रही थी, जो कि मैंने नहीं सोचा था कि अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने बहुत ही पतले से जो गोल इयररिंग कहता है, और उसको क्या कहते हैं, वो कैरी किया था। और ये बेल्ट मेरे जींस के साथ की थी जो मैंने इसके साथ कैरी की थी, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। इट लुक लाइक नाइस एंड दैट्स इट गाइस, ये मेरा फोर्थ लुक था। मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैंने फाइव लुक नहीं ट्राई किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। दैट्स इट गाइस।